और कितने दिन लगाना है, कैसे लगाना है, अभी मैं आपको बताती हूँ। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ प्रिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा आसान और इफ़ेक्टिव होम रेमेडी, जिसको कोई भी बना सकता है, इस्तेमाल कर सकता है अपने बालों को खूबसूरत, स्ट्रांग और हेल्दी बनाने के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, या फिर आपकी ग्रोथ नहीं होती, एक जगह पे रुक गई है, तो इस रेमेडी को आपको इस्तेमाल करके ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी मॉनसून सीजन चल रहा था, इसमें हमें बालों से जुड़ी बहुत सारी परेशानी होती हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, मेरे भी गिर रहे थे, तो मैंने ये वाली रेमेडी बना के तैयार की और इसको इस्तेमाल करके देखा, तो इससे मेरे बाल झड़ना बंद हो गए। यहाँ तक कि जो बेबी हेयर निकलते हैं छोटे छोटे, वो भी निकलना स्टार्ट हो गए। मैं आपको भी वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और दोस्तों इसको बनाना तो आसान है ही, साथ में इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किए हैं जो कि हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं, जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बालों के लिए। बाहर से कोई चीज़ आपको नहीं लानी है, घर की चीज़ों से इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। साथ ही अच्छी बात यह है, बार बार बनाने का झंझट नहीं है, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो कितने दिन स्टोर कर सकते हो, सारी चीज़ें जाननी है ना, कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, जिससे आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिले, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें हमने जो भी इंग्रीडियंट डाले हैं उसमें से आपको कोई भी इंग्रीडियंट मिस नहीं करना है, सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जल्दी से देखते हैं इसको आप कैसे बनाओगे और कैसे सही से इस्तेमाल करोगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, इसको आसानी से बना सकें, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, और आसानी से इस्तेमाल कर सकें, अपने बालों को खूबसूरत, हेल्दी, स्ट्रांग बना सकें। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। होम रेमेडी बनाने के लिए आपको एक बड़ा बोल या फिर एक हैवी बॉटम का पैन लेना है और उसमें एक ग्लास पानी ऐड करना है। जो आप पानी पीते हो वही ड्रिंकिंग वाटर ले लीजिए। और उसके बाद आप इसमें जो पानी डाला है उसको पहले गर्म करेंगे। तो चलिए पहले फ्लेम ऑन कर लेते हैं और पानी को हल्का सा गर्म होने देंगे इंग्रेडिएंट्स को डालने से पहले। अब हल्का सा पानी गर्म हो गया है तो इसमें हम अपना पहला इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है ग्रीन टी। ये लूज ग्रीन टी है मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक टी भी ले सकते हैं, 2 चम्मच आपको लेनी है। ग्रीन टी में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को तो बूस्ट करते ही हैं, साथ ही बालों का झड़ना भी रोकते हैं। तो इसको मैं अब इस पानी में डाल दूंगी। नेक्स्ट आपको 2 चम्मच मेथी दाना इसमें ऐड करना है, यानी फेनुग्रीक सीड। इसमें आयरन और प्रोटीन पाया जाता है, जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे हम क्लोव्स, यानी कि लौंग, जिसको हम चाय में, चावल बनाते टाइम पुलाव में डालते हैं। ये बहुत ज़्यादा बालों के लिए अच्छी होती है, इसके इस्तेमाल से हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है, साथ ही आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है। तो इसको आप डाल लीजिए, लगभग आधा चम्मच मैंने लौंग ली है। इसके बाद आप इसमें 2 पत्ते तेज पत्ते के डालोगे। तेज पत्ता भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों का झड़ना रोकता है, यहाँ तक कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं उनको शाइन देता है, स्मूथनेस देता है, नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, और साथ ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लोगे स्पून की हेल्प से और फ्लेम बिल्कुल लो कर दोगे और 5 मिनट तक के लिए इनको सबको पकने दोगे एक साथ, जिससे कि इनके सारे गुण है जो इस पानी में आ जाएं। 5 मिनट के बाद आप देखोगे पानी का कलर चेंज हो जाएगा, पानी आधा भी हो जाएगा, एक ग्लास पानी आधा ग्लास में रह जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स के जितने गुण हैं इस पानी में आ जाएंगे। सारे इंग्रेडिएंट आपके फूल चुके हैं, आप देख रहे हो अच्छे से इनकी सारी प्रॉपर्टीज इस पानी में आ गई हैं। बस आपको क्या करना है, इसको ढक दो और इसको ऐसे ही छोड़ दो ठंडा होने के लिए।
तो आपने इसको बनाना तो सीख लिया, बस इसको करना क्या है आपको, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे किसी स्प्रे बॉटल में भर लें, इससे आपको लगाने में इसको आसानी होगी। तो कोई भी बेकार स्प्रे बॉटल आपके पास पड़ी रहती है उसे अच्छी तरीके से साफ करके उसमें इसको डाल लीजिए ठंडा होने के बाद। और फिर इसमें आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल ज़रूर ऐड करें, इससे क्या होगा आपको अपने बालों में तेल लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शैम्पू करने से पहले आप इसको लगाओगे, एक घंटा पहले पूरे बालों में स्प्रे कर लोगे और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। फिर एक घंटे बाद आप अपने पसंद का कोई भी अच्छा सल्फेट फ्री केमिकल फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें अपने बालों के लिए। इस रेमेडी को कम से कम 1 मंथ तक आप लगाओगे तो देखना इसका रिजल्ट, बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और बालों का झड़ना भी कम हो जाता है। तो थी ना ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेमेडी, तो इंतज़ार किस बात का, इसको आज ही बनाओ, इस्तेमाल करना स्टार्ट करो और इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो 1 हफ्ते के लिए। तो अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 1 हफ्ते वाला यूज़ कर सकते हो और हर हफ्ते आप इसको फ्रेश बना के इस्तेमाल करो। इसको लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, अपने बालों की जड़ों में इसको आप लगाएंगे अच्छी तरीके से और हल्का सा मसाज करेंगे और बालों की लेंथ में भी लगाइए अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स या रूखापन आपके बालों में इसकी शिकायत है। तो लगी ना आपको बहुत ही ज़्यादा आसान सी ये होम रेमेडी और इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो इसको जल्दी से लाइक करना, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन इसको यूज़ करने वाला है और आपको क्या बालों से जुड़ी परेशानी हो रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आने वाली वीडियोस में आपके सारे टॉपिक्स कवर करके अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। साथ ही शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज आप मिस ना कर सकें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।